तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, एक्स और कॉस इनवर्स एक्स है। एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ और कॉस इनवर्स एक्स जो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई क्या होता है आपका, सिक्वेंस में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज्यूम करेंगे, और एक्स एल्जेब्रिक की कैटेगरी में आता है, तो दैट इज़ द सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आप बाई पार्ट का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रल, ठीक है, डीएक्स हो गया। अब आप सिंपल यहाँ पे आपके पास तीन इंटीग्रल हैं, पहले दो इंटीग्रल सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस डी बाई डी एक्स होता है माइनस वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है और इसका तो एक्स स्क्वायर बाई टू होता ही है। अब वन बाई टू हम लोग कॉन्स्टेंट है चूँकि बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट को, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, ये माइनस का माइनस आप क्या कर लो, रहने दो वहीं पे, है ना। तो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इस चीज़ को आपको एडजस्ट करना है सच दैट कि इसका इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ये ऊपर आ जाता तो हम यहाँ से रिजॉल्व कर लेते, थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वन ऐड कर दे रहे हैं और वन यहीं पे सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दे रहे हैं। वन माइनस स्क्वायर के नीचे अलग ये डिनोमिनेटर और वन के नीचे अलग डिनोमिनेटर, और एक एहतियातन हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि गलती ना हो हमसे। फिर क्या हो जाएगा आपका, इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो ये वाला पार्ट हम लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस, ठीक है, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका एक पार्ट आपका तो इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच गया है, ये आपका साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस ले लो तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। खैर यहाँ पे आप थोड़ा देखो, यहाँ पे ये कुछ जो टर्म बचा हुआ है ए अपॉन रूट ए टाइप का है ना, जो क्वांटिटी ऊपर है उसी का स्क्वायर रूट नीचे है। तो ए को आप क्या लिख सकते हो, रूट ए लिख सकते हो, है ना, और नीचे रूट ए है, ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, रूट ए। अच्छा आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो रेशनलाइज कर लीजिए। चलिए इधर हम समझा दे रहे हैं कि रूट ए से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है ना, तो रूट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा, ये कैंसिल, दोनों ही तरह से आपका आंसर रूट ए आने वाला है, मतलब डिनोमिनेटर से ये हट के स्क्वायर रूट ऊपर प्लेस हो जाएगा। और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके लिए आप फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, क्या होता है आपका, दैट इज माइनस वन बाई टू, क्या लिख लेंगे हम लोग, दैट कुड बी रिटन एज ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाई टू ए, और ए स्क्वायर बाई टू ए आपका वन है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब वन हो गया, ठीक है, ए वन है, माइनस ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो दैट इज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेट कर लिया, अब हमें थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कॉस यहाँ से साइन इनवर्स सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कोफिशियंट आपका क्या है, माइनस वन है, और यहाँ पे हाफ है, दोनों को आप सॉल्व करोगे तो माइनस का हाफ आएगा, तो ये वाला टर्म हम रिमूव कर देते हैं, माइनस का हाफ एक सिंगल इंटिटी के टर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका। अब देखिए क्या किया जाए, वन बाई टू अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, अपने स्टेप में करिएगा, तो माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन बाई फोर, और ये प्लस वन बाई फोर हो जाएगा,
तो इट बिकम 1/4 और ये हो जाएगा -1/4, तो -1/4 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉस इनवर्स में है और यहाँ साइन इनवर्स एक्स में है ना, साइन इनवर्स में है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, या यूँ कहें कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट कुड बी रिटेन एज ए π/2 माइनस, आपको आंसर पीछे अगर कॉस इनवर्स में ही दिखेगा इसलिए हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वैसे आप इंटीग्रेट कर चुके हो, है ना, इंटीग्रेशन हो चुका है, सिर्फ हम इन चीज़ों को रिजॉल्व करके आंसर मैच करा रहे हैं आपके लिए, आंसर आप वहीं छोड़ सकते थे। खैर, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का क्या कोफिशियंट बन रहा है यहाँ से, और प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर चुके हैं चूंकि, तो यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, कॉस इनवर्स एक्स का कोफिशियंट एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का कोफिशियंट हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और यहाँ से -1/4 हो गया, तो ये कॉस इनवर्स एक्स का टर्म हो गया, विदाउट जो कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये आपका -1/4 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हम सी को सी1 लिख दे रहे हैं, और यहाँ से आपका आ गया π/8 प्लस π/8 एंड प्लस c1। अच्छा, इसको हम एक नया इंडेफिनिट कांस्टेंट c लिख दे रहे हैं, π/8 प्लस c1 को हम इंडेफिनिट कांस्टेंट c लिख दे रहे हैं, एक फाइनल काम, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 x² -1/4, दैट इज योर फाइनल आंसर।